दोस्तों 6 दिन हो गए, और आपने देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर एक पोस्ट डाली गई है, पीएम मोदी को ट्वीट किया गया है, गृहमंत्री अमित शाह को, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को और डीजीपी साहब को भी टैग किया गया है। उसमें बिट्टू बजरंगी ने लिखा है कि 6 दिन हो गया मेरे भाई को जिंदा जलाया गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला और फरीदाबाद पुलिस के कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ भाजपा नेता साहिल नंबरदार भी पहुँचे हैं, हालचाल जानने पहुँचे हैं। पहले बिट्टू से बात करते हैं। बिट्टू भाई क्या करेंगे, आपने लिखा है कि 21 तारीख के बाद जो होगा मैं करूँगा। जो और सभी सनातनियों को जो मेरे भाई कालचा लेने पहुंच रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरे भाई जिंदगी के मौत की जंग से जूझ के अब थोड़ा निकल गया है और आराम है, लेकिन 6 दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं है, तो काफ़ी निराशा मुझे लग रही है कि मेरे भाई को जला दिया गया और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, और काफ़ी ढिलाई मुझे लग रही है। नहीं, कल तो सीपी साहब भी गए थे शायद मौके पर। हाँ, धन्यवाद उनका भी, सीपी साहब ने मामले किया, लेकिन अभी कुछ निकल कर नहीं आ रहा, तो मैं मायूस हूँ और हिंदू समाज भी मेरे से पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं बता के थक गया, तो मैं क्या उनको जवाब दूँ। अब देखते हैं, 2 दिन का टाइम दिया है हिंदू समाज ने, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो 2 दिन बाद बड़ी तैयारी है, इसका मतलब पूरी तैयारी है, पूरे देश से लोग आएंगे। पूरे देश से आएंगे, अच्छा। साहिल भाई जी क्या कहेंगे, जो है ठीक है 5-6 दिन हो गया, और अभी खुल के बताया, ये नहीं बताया गया कि कोई गिरफ्तार किया गया इस मामले में। देखिए ऐसा है, मैं तो पहली बात तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, इस मामले को जितना गंभीरता से लिया जाए उतना गंभीर इसको लें, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है, ये एक पूरे भारत के शेर के भाई का मामला है, और शेर अभी शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो अभी प्रतीक्षा कर रहा है प्रशासन, वो चाह रहा है कि प्रशासन ही अगर इसका रिजल्ट दे तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद है, संविधान से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है, तो प्रशासन का भी ये फर्ज बनता है कि उन उम्मीदों पे खरा उतरे, और जैसे बता रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने भी दौरा किया है उसका, और दौरा तो कर लिया, लेकिन अब दौरे के बाद रिजल्ट का इंतज़ार है कि रिजल्ट क्या आता है। जो भी ये उदंडी हैं, जो भी कुछ ये निर्दोषी हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये कोई वो आसान वो नहीं है, बहुत गंभीर मामला है ये, क्योंकि किसी को कोई जिंदगी और मौत से जूझ के अब जैसे तैसे ठीक हुआ है वो, किसी माँ का बेटा जैसे तैसे ठीक हुआ है वो, उनका तो क्या गया, उनका तो कुछ नहीं गया, लेकिन वो उनका समाज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो देख सकते हैं। और फिर बता दें कि 20 तारीख के बाद शायद कुछ बड़ा प्रदर्शन वगैरह होगा, और आपने ट्वीट में भी देखा होगा, बिट्टू बजरंगी की पोस्ट पर भी देखा होगा आपने फेसबुक पर, अब शायद धैर्य जवाब दिया जा रहा है हरियाणा तक से, उसके अंदर थे राजपूत।